क्रिकेट प्रेमियों के लिए बहुत ही अच्छी खबर, फिर और एक बार सचिन तेंदुलकर है मैदान में आने वाले हैं, क्योंकि शुरू होने वाली है लेजेंड लीग, जिसमें सेन वाटसन, जॉन टी जॉर्ज, ब्रायन लारा, योन मॉर्गन के साथ सचिन तेंदुलकर जैसे महान दिग्गज फिर एक बार क्रिकेट के मैदान में वापसी करेंगे। भारत के टॉप फोर बैट्समैन रोहित शर्मा, विराट कोहली, जयसवाल और पंत, बांग्लादेश टेस्ट सीरीज से पहले इनका रैंक कुछ 15, 5, 7, 6 था, लेकिन आफ्टर बांग्लादेश सीरीज जयसवाल तीसरे नंबर पे पहुंच गए, विराट कोहली 6वें नंबर पे आ गए, रोहित शर्मा का नुकसान हुआ, वो 15 में चले गए, और ऋषभ पंत का प्रमोशन हुआ, वो 9 नंबर रैंक पे जो है आ गए। वही बात करें अगर जयसवाल की, तो ये बंदा डे बाई डे जो है टेस्ट क्रिकेट में बहुत आगे जा रहा है। जब इन्होंने पहला टेस्ट मैच खेला था तो इनका रैंक लगभग था 63 समथिंग, देन उसके बाद दूसरा खेलते हुए उन्होंने 68 आ गए, तीसरे में 71, फिर धीरे धीरे ऐसे करते करते 11 मैच खेलते खेलते ये बंदा जो है 10th रैंक में तीसरे नंबर पे आ गया है। अगर जयसवाल 15 टेस्ट मैच खेल लेते हैं तो ये बंदा टेस्ट मैच में बहुत जल्दी जो है नंबर 1 का रैंक हासिल कर लेगा, और लगता है कई सालों तक जो है काबिज रहने वाला है। T20 वर्ल्ड कप के ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के मैच में ऑस्ट्रेलिया ने 148 रन बनाए, जिसको चेस करने आई न्यूजीलैंड की महिलाएं टीम, एक टाइम पे जिनका स्कोर 60 रन में 5 विकेट था, वही टीम मात्र 88 रन पे 10 विकेट गिर के जो है मैच हार गई। और अगर टेस्ट मैच की बात करें तो विराट कोहली घर के अंदर हो या घर का बाहर, डोमिनेशन उनका एक तरफा लगता है। आप देख सकते हैं साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट मात्र कोहली ही अर्धशतक बना पाए, बाकी कोई नहीं पहुँच पाए आसपास। उनके बाद शायद कोहली की जिम्मेदारी लेने वाले हैं सरफराज खान, जो घरों ही क्रिकेट में तहलका मचा के रखा है।